हेलो दोस्तों, ये वीडियो किसी का जिगर गुर्दे या फेफड़े दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड की जुल्फों में ऐसा खोया कि बेहोश हो गया। जब होश आया तो रोमांटिक होकर पूछा, जान तुम नहाती क्यों नहीं हो? के बाद एक लड़की ने कहा, आई लाइक यू। खुशी से सेम टू यू लिखने की बजाय शेम टू यू लिख दिया। कहने लगी, तू सिंगल ही मरेगा। सरदार को अमेरिका में पुलिस ने पकड़ लिया। सरदार को इंग्लिश नहीं आती थी। सरदार ने लीव एप्लीकेशन सुना दी। उन्होंने सरदार को पागल समझकर छोड़ दिया। बीवी, तुसी ते ग्रेट हो। सरदार, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो उन्होंने मेरी थर्स्टी क्रो नहीं सुनी। एक दिन मैंने बाबा जी से पूछा, मोहब्बत में तीन नुक्ते क्यों होते हैं? बाबा जी काफ़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र तू अंग्रेजी विच लिख लिया कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। एक औरत की बहू घर के काम नहीं करती थी। औरत अपने बेटे से बोली, मैं झाड़ू लगा दूंगी, तुम कहना अम्मी रहने दें, मैं झाड़ू लगा दूंगा। इस तरह बहू को शर्म आ जाएगी। माँ झाड़ू देने लगी। बेटा बोला, अम्मी रहने दें, मैं झाड़ू लगा दूंगा। बहू बोली, लड़ने की क्या बात है, एक दिन आप लगा दें और एक दिन अम्मी लगा देंगी। ग्राहक दुकानदार से, आपने भींगे आदमी को मुलाजम क्यों रखा है? दुकानदार, इस तरह चोरी का इम्कान कम हो जाता है। ग्राहक, वो कैसे? दुकानदार, वो इस तरह कि चोरी करने वाले को मालूम नहीं होता कि ये किस तरफ देख रहा है। तीन आदमी आपस में बैठे अपने अपने दुखों की दास्तान सुना रहे थे। पहला आदमी बोला, मैं 3 साल से अफ्रीका के जंगलों में रह रहा हूँ। दूसरा आदमी बोला, मैं 5 साल अरब के सहराओं में रहा हूँ। तीसरा आदमी दुखी अंदाज में बोला, मेरी भी तो सुनो, मैं 20 साल से अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ। तीन बेवकूफ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। एक ने कहा, देखो वो जहाज जा रहा है। दूसरा बोला, नमाज में बातें नहीं करते। तीसरा बोला, देखो मैं तो नहीं बोला। होटल का मैनेजर, खान साहब आपने 20 रोटियां खाई हैं। खान साहब, नहीं हमने 19 रोटियां खाई हैं। मैनेजर जिद करता रहा तो खान साहब ने तंग आकर कहा, हम 19-20 नहीं जानता, अब हम फिर से खाना शुरू करेगा और तुम गिनते जाना। लड़की, ये जो सामने लड़का बैठा है मुझे 1 घंटे से परेशान कर रहा है। वेटर, लेकिन वो तो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा। लड़की, यही तो परेशानी है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। बीवी मजे मजे से गोलगप्पे खा रही थी। 20-25 खा लिए तो फिर शोहर से पूछा, 10 और खा लूं? शोहर, नागन खा ले। बीवी ने शोहर को थप्पड़ मारा और बोली, नागिन किसको बोला? शोहर, अरे मैंने कहा नागिन, खा ले जितना दिल करता है जानू। शेर अर्ज है, चांद पर लिख दूं नाम तेरा, ये मेरे दिल में ख्याल आता है, पर एक तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता और दूसरा ये ख्याल दोपहर को आता है। टेंशन के झटके, लड़की ने आपसे लिफ्ट मांगी, रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई, आप उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर बोला, आप बाप बनने वाले हैं। टेंशन हो गई। आप बोले, मैं इसका बाप नहीं हूँ। फिर लड़की से पूछा, वो बोली, यही बात है। फिर टेंशन। फिर पुलिस आई, आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। आपने खुदा का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी बाहर आ गए। फिर सोचा कि घर पे जो 3 बच्चे हैं वो किसके हैं। आपको फिर टेंशन। एक दिन बशीर चर्सी तबलीग करने वालों के हाथ लग गया। तबलीग वालों ने चर्स छुड़वा कर उसे सही रास्ते पर लगा दिया। वो जमात के साथ जहां भी जाता है तो उसका तारुफ करवाया जाता है कि ये हमारे बशीर भाई हैं, ये बड़े चर्सी थे, हमारे जेर असर इन्होंने चर्स पीना छोड़ दिया। एक दिन हसबे मामूल तबलीगी दोस्तों ने उसका तारुफ कराया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानी को ज़रा बताओ कि किस तरह तुमने तबलीगी जमात से मुतासर होकर अपनी चर्स छोड़ी। बस फिर क्या, बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था,
लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो चार्ज पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चार्ज छोड़कर हो रहा हूँ। बड़ा भाई काफी अरसे के बाद दयारे गैर से वापस आया तो देखा कि मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई, क्या कर रहे हो भाई? मैं, भाईजान परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, अच्छा कितने दरख्त लगा चुके हो? मैंने दुखी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है ना, वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक यूट्यूबर को सजाए मौत हो गई। जज ने कहा कोई आखिरी ख्वाहिश, कहने लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। शोहर अपने 5 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो ये मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं क्या? दाल माल्टू का रेट क्या है? दुकानदार, 100 रुपये के 10। सरदार, कुछ तो कम कर यार। दुकानदार, अच्छा आपके लिए 80 रुपये के 8। सरदार, ऐ होई ना गल, चल पा लफाफे विच। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा था, खबरदार तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बाहिस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास वापस गया और बोला, ओ मामा एक केड़ी दे दीती है, वो कैंसर वाली दे। सरदार, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना है, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, कोई बड़ी चीज बता यार। दूसरा सरदार, ट्रैक्टर का पिछला टायर ही दे दो। एक आदमी सारा दिन अपना निकाहनामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल ही नहीं रही। एक सरदार ट्रेन की खिड़की से बोला, ये कौन सा स्टेशन है? बाहर से आवाज आई, थल्ले आके वेख ला चवला, एडा तू नवाब, सरकारी नलके वर्गा तेरा नक के, डड्डू चार्जर वर्गा तेरा मुंह है, सर ते इंज पग बनी है जिवे जुआ नु दम दिता होवे। सरदार, वो अच्छा फैसलाबाद पहुंच गया। वो स्टूडेंट भी किसी दहशतगर्द से कम नहीं होते जो क्लास में टीचर को याद करवाते हैं कि सर जी आज आपने टेस्ट का बोला था। आज OLX पर एक इश्तिहार देकर बहुत दुख हुआ, मेरे तो आंसू भी निकल आए। निकाह की शेरवानी ब्राय फरोहत सिर्फ एक बार पहनी हुई, वो भी गलती से। जिन, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं, आज से मेरी पढ़ाई तुम किया करोगे। जिन, आका हुक्म करो, बकवास नहीं। खातिन शॉपिंग मुकम्मल करके जैसे ही घर पहुंचती हैं, अचानक सर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। उफ, जो असल चीज लेनी थी वो तो रह ही गई। तेरा होने लगा हूँ, तुझ में खोने लगा हूँ, बाकी कल बताऊंगा, अभी तो मैं सोने लगा हूँ। पैसे डबल करने का आजमोदा तरीका, शीशे के सामने रख दो। आदमी फकीर से, तुम्हें शर्म नहीं आती? रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो? फकीर जल कर बोला, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? पेपर्स के दौरान सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? जब बंदे को कुछ भी ना आता हो और टीचर पीछे से आकर कहे, बेटा पेपर छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है, कसम से दिल खुश हो जाता है। ऑफिस में चाय पीने के बाद बेख्तियार चाय के बर्तन उठाकर धोने के लिए पहुंच गया। ऑफिस बॉय ने बताया, साहब आप ऑफिस में हैं, घर नहीं। जाने ABC सुनाई। टीचर, GF कहाँ है? हमजा, वो तो अपनी किस्मत में लिखा ही नहीं। एक पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी दूर की नजर कमजोर है। डॉक्टर बोला, वो आसमान पर देखो क्या है। पठान, आसमान पर सूरज है, वो चांद सितारे। डॉक्टर, ते होर इस तू अगे तू फरिश्ते देखने ने।